यमुनानगर की विजय कॉलोनी निवासी अनिल गिरी कुवैत में हुए अग्निकांड का शिकार हो गया। रोजी रोटी की तलाश में अपने वतन को छोड़कर कुवैत में गए हुए अनिल को लगभग 5 वर्ष से अधिक हो गए थे और अब घर आने की ही तैयारी में था, लेकिन कुवैत की एक इमारत में लगी आग ने 45 मजदूरों के साथ अनिल की भी जिंदगी लील ली। अनिल की बहन, जो यमुनानगर के एक स्थानीय कॉलेज की कैंटीन में कार्यरत है, ने रोते हुए बताया कि घटना के एक दिन पहले घर के सभी लोगों की अनिल से फोन पर बात हुई थी। उसने बताया कि अनिल के एक मित्र जो कुवैत में किसी दूसरी कंपनी में था, उसने बताया कि अनिल की मौत जलकर नहीं बल्कि कमरे में सभी 5 साथियों के साथ दम घुटकर हो जाने के कारण हुई है। मेरा भाई अनिल गिरी 5 साल पहले यहाँ काम करता था, गुजर बस यहाँ उसके परिवार का गुजारा नहीं होता था, फिर ये कमाने के लिए बाहर गया कुवैत और हमें नहीं पता था कि उसके साथ ये हो जाएगा। और फिर अब हम ये चाहते कि उसके बच्चों का कौन होगा, उसकी बीवी का कौन होगा, बच्चों का गुजारा कैसे होगा, तो सरकार कुछ मदद करे उसके लिए। वहाँ क्या हुआ? दम घुटने की वजह से उसका मौत तो हो गया। कैसी जानकारी मिल पाई आप लोगों को? वहाँ पे उसका साला रहता था और कंपनी वाले ने अगले दिन फोन करके बताया, वीडियो भेजा उसका, तब हमें पता लगा। और वो गांव में गए, उसके परिवार डेड बॉडी वही आएगी। जगह क्या है? बिहार में रहते हैं, कली छपर गांव, गोपालगंज जिला। वो पैतरी गांव है? हाँ जी, वो पैतरी गांव। परिवार में माँ बाप है? माँ बाप है, 3 बहने 2 भाई थे ये, और बीबी है, उसके बच्चे हैं 2, एक लड़का एक लड़की। 5 साल की बीच में कभी यमुनानगर भी आना हुआ? हाँ जी, 3.5 साल पे आए, जनवरी में आए थे, फिर अब गए। क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्या बातें हुई उसके साथ, क्या बताया आपके साथ बातचीत हुई 3 साल पहले? कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा दूर, मन तो नहीं करता पर जाऊंगा, पैसे यहाँ तो है नहीं, यहाँ कोई जिंदगी तो है नहीं, बच्चों को अच्छा पढ़ाना लिखाना है तो जाना तो पड़ेगा ही, किसका मन करता है जाने का। मेरा नाम आरती है और मेरे मामा है, छोटे मामा, उनकी डेथ हो गई है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि सरकार उनके बच्चों की मदद करे, मेरी उनका घर का गुजारा हो जाए। वो जब आए थे पिछले साल जनवरी में आए थे वो, और खैर वो इसलिए गए थे कि ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, उनका घर अच्छे से चल जाए। अब उनको कौन देखेगा, सरकार उनकी मदद करे, मैं तो यही चाहती हूँ। और वहाँ पे दंगल का तड़प रहा है कि बच्चे अपने माँ बाप के लिए इतना रो रहे थे कि अब हमें कौन देखेगा। फिलहाल अनिल के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट गया है। अनिल के पार्थिव शरीर को कुवैत से भारत लाया जा रहा है और उनका अंतिम संस्कार बिहार के गोपालगंज में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स न्यूज सर्विस।